जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक का पदोन्नति होने पर किया अभिनंदन। धौलपुर की प्रमुख खबर। IFWJ पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में आज जिले के पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल का पदोन्नति होने पर फूलमाला एवं बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल, प्रिंस हुंडावाल, हरवीर शर्मा, अनूप शर्मा, रनीस तिवारी, संदीप शर्मा, अजय विलोनिया, आकाश पचौरी, दुर्गा शरण दुबे, शकील खान, सौरभ उपाध्याय सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों ने जिले के दोनों ही प्रमुख अधिकारियों की पदोन्नति होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन तैयारी हेतु समारोह का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। कन्हैया रिजॉर्ट बाड़ी में कुशवाहा फाउंडेशन युवा कुशवाहा समाज समिति बाड़ी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने पर तैयारी बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व लवकुश महाराज को दीप प्रज्वलित कर वंदना की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि मुरारीलाल कुशवाहा सरपंच कच्छपुरा, विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह कुशवाहा सरपंच, रमेश सिंह कुशवाहा, रामकिशन कुशवाहा, शरण सिंह कुशवाहा, रामदयाल कुशवाहा, केवल सिंह कुशवाहा, रामबाबू कुशवाहा, विशंबर दयाल कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा बाड़ी एवं पूर्व PMO डॉ. शिवदयाल मंगल मंचासीन रहे। कार्यक्रम में पूर्व PMO डॉ. शिवदयाल मंगल ने बताया कि सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं तथा शरीर में नया खून बनता है। कुशवाहा फाउंडेशन प्रवक्ता हेमंत कुशवाहा ने बताया कि रक्तदान शिविर के बाद यदि किसी व्यक्ति को ब्लड बैंक में ब्लड न मिलने पर ब्लड युवा कुशवाहा समाज संगठन द्वारा रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। कुशवाहा फाउंडेशन की अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा ने धौलपुर जिले के सभी युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं 5 जनवरी 2024 को कन्हैया रिजॉर्ट में आमंत्रित किया। कार्यक्रम में कुशवाहा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं कुशवाहा समाज के प्रतिष्ठित बंधु उपस्थित रहे और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। डीलर की मनमानी को लेकर अलीगढ़ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत अलीगढ़ के निवासियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को डीलर की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। डीलर द्वारा हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं लेकिन राशन कभी पूरा नहीं दिया जाता। इसे लेकर ग्रामीण काफी दिन से परेशान हैं तथा जगह जगह शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिला कलेक्टर ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अलीगढ़ गांव के अनेक महिला पुरुष उपभोक्ता मौजूद रहे। हमारी सुशीला देवी डीलर है जो हमारे अंगूठा लगवा लेती है। पहले नवम्बर महीने में हमारे अंगूठा लगवाए तो किट दे दी, गेहूँ दे दिए थे और दिसंबर में अंगूठा लगवा लिए तो किट दे दिए, गेहूँ नहीं दे रही है। और सभी गांव की महिलाएं और सब पूरे परेशान है। 27 तारीख को हमने इसको ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब के पास आए, कलेक्टर साहब हमें ले गए, DO साहब के पास आए, वो सस्पेंड हो जाती है। फिर ऐसी सेटिंग कर रखी है अधिकारियों से मिली वक्त से कि उसको द्वारा लगाया जाता है, 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाती है, गेहूँ भी 5 लाख की गेहूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर महीने में ऐसा ही नाटक करती है, पहले अंगूठी लगवा देती है, बाद में कहती है, बाद में राशन मिल जाए, बाद में देती नहीं है, कहती चाहे जाओ शिकायत करो, कुछ भी करो। और कई बार सस्पेंड हो गई है, कई बार शिकायत भी हुई है तो सस्पेंड कर देते हैं, 2-3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाती है, तो द्वारा फिर बहाल हो जाती है। पता नहीं क्या सेटिंग है क्या नहीं है पता नहीं। और जो सब जनता परेशान है, सब जनता से चाहिए तो दूसरा और कोई दूसरा डीलर लगाया है। किस गांव में मामला है?
ग्राम पंचायत अलीगढ़, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर। और इसकी नौकरी भी है, एक नौकरी है डीलर की, प्लस दो पदों पर है। अच्छा अच्छा, डाकघर में नौकरी है, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जी समस्या रूटीन वर्क है, इसकी जांच करवाते हैं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 3/60 में ECR को मुकदमा दर्ज करवाएंगे और दूसरी इनकी जो अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। थैंक यू। जोगेंद्र सिंह राणा महाराजा सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित। धौलपुर की प्रमुख खबर, महाराजा सूरजमल सेना की बैठक का आयोजन लाठखेड़ा हनुमान मंदिर पर किया गया। बैठक में नववर्ष मिलन समारोह और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्वसहमति से जोगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष महाराजा सूरजमल सेना राजस्थान नियुक्त किया गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने जोगेंद्र सिंह राणा का फूलमाला से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर स्वागत किया। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस पद का सही तरीके से निर्वहन करूंगा और समाज में जागरूकता लाने के लिए और समाज के हर कार्य के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में महाराजा सूरजमल सेना के संस्थापक अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, बनवारी लाल चौधरी, यश जाट, विशाल चौधरी, दयाल चौधरी, शुभम जाट, कप्तान सरपंच, रामवीर जाट, संतोष, अमित आदि सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महाराजा सूरजमल सेना राजस्थान के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए मैं महाराजा सूरजमल सेना के संस्थापक श्री अनिल चौधरी जी एवं समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। बाड़ी की प्रमुख खबर, कुशवाहा फाउंडेशन युवा कुशवाहा समाज समिति द्वारा बाड़ी के कन्हैया रिजॉर्ट में 5 जनवरी 2024 को रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उनकी टीम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार से मिले। इस दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर युवाओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। माननीय सेवा को संकल्पित इस रक्तदान अभियान में कुशवा फाउंडेशन युवा कुशवा समाज सेवा समिति द्वारा भाड़ी धौलपुर द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, 5 तारीख को ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से लोगों के जीवन बचाने में, लोगों को एकदम से जो उनकी लाइफ पे संकट आता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, उसमें काम आएगा। मैं सभी युवाओं से, सभी धनदाताओं से आह्वान करता हूँ कि इस पावन यज्ञ में जुड़े, अधिकाधिक रक्तदान करें। रक्तदान से कोई ब्लड का लॉस नहीं होता है। इमीडिएट डॉक्टर्स की सलाह है कि 1 साल में एक बार कम से कम जरूर रक्तदान कराना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और जो भी स्वस्थ हैं, इनके बीपी की, शुगर की दिक्कत नहीं है, वो इस रक्तदान शिविर में जरूर आए। और मुझे उम्मीद है कि ये कुशवाहा फाउंडेशन युवा समिति वाला रक्तदान शिविर सफल होगा। इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमजी माथुर के जन्मदिन पर अनेक लोग पहुंचे बधाई देने। जयपुर की प्रमुख खबर, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के जन्मदिन पर उनके जयपुर निवास पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा एवं इस अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उक्त अवसर पर सरमथरा निवासी प्रेम किशोर राजपुरोहित, नीरज राजपुरोहित, सौरभ राजपुरोहित, अमन राजपुरोहित, युवा नेता एवं दिलीप गुधेनिया आदि नेताओं ने जयपुर पहुंचकर माथुर साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की राजाखेड़ा के आनंदापुरा से हुई शुरुआत। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत मंगलवार को राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आनंदापुरा व चौहानपुरा से हुई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा, यात्रा संयोजक मुकेश हनुमानपुरा रहे, जहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में SDM देवी सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मनीष तोमर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ साथ वर्तमान में चलाई
जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के तहत पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने आमजन की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निराकरण किया गया। यात्रा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतेंद्र पाराशर ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से लगातार जनहित की योजनाओं को धरातल पर लाकर आमजन को लाभ दे रहे हैं। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भाजपा लेकर आई है जो कि गरीब कल्याण के हित की योजनाएं हैं। एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन की सेवा के लिए शिविर में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम समापन पर कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए, जिनके चेहरे पर खुशी आ गई। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदयनिया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हुआ विशाल भंडारा, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। श्री श्री 1008 दयाराम दास महाराज के शिष्य मनीराम दास महाराज द्वारा आयोजित पार्वती नदी के किनारे हुई श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारा किया गया, जिसमें आज मनीराम दास महाराज के गुरु दयाराम दास आज पधारे, जिनको देखने के लिए जनता का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा और पांडाल में जयकारों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसमें बिचौला के श्याम दास महाराज का भी आगमन हुआ तथा धौलपुर गंगापुर मुरैना के संत इस विशाल भंडारे की शोभा बढ़ाने के लिए आए। इस भंडारे के कार्यक्रम की व्यवस्था 2 दिन पहले से की जा रही थी, जिसको आज सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। गुरुदेव